हम बेहतर होने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर हमें बनना है सर्वश्रेष्ठ तो खुद से स्पर्धा करनी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को भारत और विश्व के सर्वोत्तम व्यापार और निवेश स्थानों में परिवर्तित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस प्रयास में प्रथम इन्वेस्टर समिट में प्रदेश की सरकार की नीतियों में विश्वास जताते निवेशकों से 4,68,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए, जिनमें तेजी से कार्य प्रारंभ हुए तथा पहले जीबीसी और दूसरे जीबीसी का कुल मिलाकर 1,29,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को जमीन पर लाने का समारोह आयोजित किया गया और अब तक 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अब 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत करती है यूपी जीबीसी 3.0। तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के अंतर्गत 80,224 करोड़ रुपए की लागत की 1,406 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। जीबीसी 3.0 के तहत निवेश, डेटा सेंटर, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथकरघा और कपड़ा, रिन्यूएबल एनर्जी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और एरोस्पेस, विनिर्माण और एमएसएमई के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, जिससे राज्य का हर हिस्सा लाभान्वित होगा। आकांक्षाओं की ये उड़ान प्रधानमंत्री जी के नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश में आज व्यवसाय को यदि एक आदर्श वातावरण प्राप्त हुआ है तो राज्य में प्रमुख शासकीय सुधारों, उत्कृष्ट कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, प्रगतिशील नीतियां तथा एक्सप्रेसवेज, हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक सुविधाएं, मेट्रो, निर्बाध बिजली एवं औद्योगिक गलियारों सहित अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचे के विकास की सुदृढ़ नींव पर एक जीवंत निवेशोन्मुख वातावरण बनाया जा रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण योगी सरकार की भ्रष्टाचार और आपराधिक तत्वों के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी है। पिछले वर्षों की तुलना में आपराधिक मामलों के घटते ग्राफ ने प्रदेश में बिजनेस फ्रेंडली माहौल को निरंतर बेहतर बनाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12 स्थानों की छलांग लगाकर आज देश में दूसरे स्थान पर है। इस पोजीशन को प्राप्त करने में योगी सरकार की रिफॉर्म ओरिएंटेड नीतियों द्वारा राज्य के 40 विभागों में 1400 से अधिक अनुपालन को कम करने जैसे महत्वपूर्ण कारण शामिल हैं। प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल, जो भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल्स में से एक है, वो उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को 349 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही ये राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से एकीकृत भी है। उत्तर प्रदेश में लगानी ग्रुप 700 करोड़ की लागत से कोकोकोला मेगा प्लांट लगाने जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यूपी सीडा ने तो रिकॉर्ड टाइम में 17 दिन के अंदर हमको 35 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। ऐसा तो हमने किसी भी स्टेट में नहीं देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये अब संभव हुआ है। भारत में आज एमएसएमई की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। प्रदेश ने प्रत्येक जिले से एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP पहल शुरू की है। आज ODOP ने न केवल स्थानीय कला को प्रोत्साहित किया है, साथ ही 6,00,000 लोगों को सीधे और लाखों कारीगरों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है और 5 साल में एमएसएमई में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाया है। आज 75 जनपदों के 62 उत्पाद ई कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से देश और दुनिया भर में खरीदे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ODOP की सफलता के बाद अब केंद्र सरकार इस योजना को देश भर में लागू कर रही है। आज उत्तर प्रदेश भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और डेटा सेंटर के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। अगस्त 2020 में कोविड के चरम पर हमने पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया। हमने लॉकडाउन के कारण ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी साइट का चयन किया और लैंड अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। अक्टूबर 2020 तक
हमें आगे बढ़ने के लिए सरकार से ग्रीन लाइट मिली। सफलता के निरंतर नए आयाम छूना संभव हुआ है इंटेंट के इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होने से। हमारा नया प्रोजेक्ट एरेलॉय टेक्नोलॉजी, इस प्रोजेक्ट के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुल 15 दिनों में हमको 50 एकड़ लैंड और सारी अप्रूवल्स दिलाए, जो कि आज से पहले ऐसा कल्पना करना भी असंभव था। अप्रैल 2020 में जब विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश ने आपदा में अवसर देखते हुए एक हेल्प डेस्क की स्थापना की। इस हेल्प डेस्क के तहत विश्व की प्रमुख कंपनियों ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त किया, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। कोरोना काल में हमने पेटीएम फाउंडेशन ने लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए, हजारों की संख्या में कंसेंट्रेटर उपलब्ध करवाए। उत्तर प्रदेश हमारे लिए हमेशा घर रहेगा। हम इस राज्य की सफलता में, अपनी भागीदारी में हमेशा और बढ़ोतरी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहल उत्तर प्रदेश को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ की है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के ब्लूप्रिंट पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। निवेश के क्षेत्र में असीमित अवसरों का प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध भारत के विजन 2047 को साकार करने के लिए कटिबद्ध है।